हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेस। आज का सेशन है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट जो हमने डिस्कस नहीं किया था, वो था टंग और टेथ। यानी आज हम हमारे इस जीभ यानी टंग और हमारे दांत यानी टेथ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ये टेस्ट कैसे आता है। जब हम कभी पनीर की सब्जी खा रहे होते हैं तो हमें पनीर का टेस्ट आता है, जब हम कभी जूस पी रहे तो जूस का टेस्ट आता है, और हमें ये टेस्ट आता कैसे है इसके बारे में आज डिटेल में समझेंगे। साथ में ही जब हम जो भोजन खा रहे हैं, जो फूड हम लोग खा रहे हैं, वो कैसे इतना जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कैसे सिंपल पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमारे दांतों का इसमें कितना रोल है। और आपने एक बात जरूर सुनी होगी, अकल दाढ़ विजडम टेथ। क्या अकल दाढ़ के बाद में भी आपको अकल आ ही जाती है या नहीं आती, इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेशन वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, आपने जो खाना खाया, ठीक है, तो आपने जो फूड खाया वो कैसा था, वो कॉम्प्लेक्स फूड था, ठीक है, जटिल था, कॉम्प्लेक्स था, बड़े मॉलिक्यूल्स थे। उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जब सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, इनको तोड़ देते हैं, ठीक है, इनको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ये जो कन्वर्जन है, जो कन्वर्ट हुआ सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल, वो किसकी हेल्प से होगा, वो एंजाइम्स की हेल्प से होगा, वो एसिड की हेल्प से होगा, वो केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से होगा। और आप सच कहें तो आप ये पूछेंगे कि सर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या बड़े टुकड़े खाने से है खाने के, या क्या है कॉम्प्लेक्स का मतलब? यहाँ है कि हम हमारे खाने में क्या खा रहे हैं, आपको पता है, हम हमारे खाने में खा रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम हमारे फूड में खा रहे होते हैं फैट, हम हमारे खाने में खा रहे होते हैं प्रोटीन। ये तो था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, इनको डाइजेस्ट करना आसान नहीं जल्दी से। इनको क्या करते हैं, इनका डाइजेशन करके इनको ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स में और एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स, एसिड और केमिकल हेल्प की मदद से कॉम्प्लेक्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना ही क्या है, डाइजेशन है। इस डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड्स में, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में। हमने इस बात को देखा था ऑलरेडी हमारे डाइजेशन के चैप्टर में। देखो डाइजेशन मैंने हमें कहा था कि हमेशा स्टार्ट कहाँ होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, तो आज इस माउथ को ही डिस्कस करेंगे। और ये खत्म कहाँ होता है, एनस में आकर खत्म होता है। एनस में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को हम बाहर निकाल देकर हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। हमने एक बात ये भी पढ़ी थी, इस डाइजेशन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखो आज हमें पढ़ना है माउथ या बकल कैविटी। देखो जब हम हमारे माउथ की बात करते हैं, ठीक है, तो एक तो मुंह का ये आगे वाला हिस्सा है, एक मुंह के अगर मैं कहूँ अगर मैं मुंह ओपन करता हूं तो ये है ओरल कैविटी, जैसा इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एनाटॉमी है किसकी, ओरल कैविटी की। इसमें हमारी टंग है, हमारे टिथ्स हैं, हमारे लिप्स हैं, ये सारा पार्ट, हार्ट प्लेट है, सॉफ्ट पार्ट है, जितना भी है ये हमारा क्या है, ये है ओरल कैविटी, इसको बकल कैविटी भी बोलते हैं। देखो ओरल कैविटी अगर बात करें तो ये इनिशियली पार्ट है, शुरुआती पार्ट है, आगे का इनिशियल पार्ट है ना, ठीक है, जो कहाँ होता है, दो हमारे जो होते हैं जबड़े होते हैं ना, दोनों ऊपर नीचे के जो जबड़े होते हैं, जो होते हैं, इन जो के बीच में लोकेटेड होता है, ठीक है। तो द ओरल कैविटी इज इनिशियल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज ए पोर लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन टू जॉब्स। तो जो होते हैं हमारे जबड़े हैं उनके बीच में क्या होता है, लोकेटेड होता है कौन सा, बकल कैविटी या ओरल कैविटी। अब हम क्या करेंगे, हम पहली बार अब पढ़ेंगे हमारे टंग या टिथ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखिए टंग या टिथ, टंग को अगर मैं बोलूं तो ये कह सकता हूं ये मस्कुलर है, मस्कुलर है ना, बिल्कुल सही है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, और लंबी है, लॉन्ग है, बिल्कुल, देखिए कितनी लंबी है, ये यहां से यहां तक हमारी टंग है,
ठीक है, ये टंग कैसी है? ये मस्कुलर है और लॉन्ग है, एक तो ये स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। और हम जब टंग को बाहर निकालते हैं तो ये वाला हिस्सा फ्री है ना, हम कैसे भी हमारी टंग को मूवमेंट कर सकते हैं ना, अगर आप करके देखेंगे तो भी फील करेंगे आप, इधर उधर अपनी आगे वाली जो हिस्सा है टंग का उसको कहीं भी मूवमेंट करा सकते हो, करा सकते हो, बिल्कुल फ्री होता है। तो फ्रंट पार्ट ऑफ टंग इज फ्री, और जो पिछला हिस्सा है वो ऐसा तो नहीं है ना कि जब भी आपकी जुबान ज्यादा चल रही है आपने टंग को निकाला और बाहर रख दिया कि नहीं थोड़ी देर बाद, क्योंकि फ्री नहीं है ना, पीछे से कहीं अटैच है, जुड़ी हुई है किसी पार्ट से, है ना, सरफेस से अटैच है ना। तो बैक पार्ट इज अटैच टू द सरफेस ऑफ द माउथ, ठीक है। वैसे जिंदगी में जो सारे काम होते हैं, जितने लफड़ी ये टंग करवाती है, जीविका करवाती है, हमारे जीवन के सारे लफड़े इसी से शुरू होते हैं, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से रखा करो, फ्री है ना ये, इसका आगे वाला फ्री है ना, यही तो सब कुछ लफड़ा है, वरना तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती लाइफ में, है ना। टंग हेल्प करती है किसमें? एक तो देखो फूड जो हमने खाया है उसको च्युइंगिंग करने में, है ना, उसको चबाने में, उसको निगलाने में, और साथ साथ में हम बोलने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। टंग हेल्प करती है च्युइंग करने में फूड को, और बोलने में हेल्प करती है, है ना, अपने इन मसल्स के एक्शन की वजह से। वरना आप सोचो टंग को रोक कर देखो बोल पाओगे क्या? नहीं ना। तो टंग हमारे फूड को क्या बनाती है? च्युइंगिंग करती है, ठीक है, साथ में क्या करती है? हमें बोलने में हेल्प करती है। अब देखिए, अब हम लोग बिल्कुल टंग पे आते हैं और इस पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअल में इस टंग पे ना एक कुछ स्पेशल ऐसे डॉट्स होते हैं, अगर आप कभी देखोगे, अगर आप मिरर में भी बहुत अच्छे से अपनी टंग को देखोगे तो आप देखोगे कि टंग में बहुत पीछे तक बहुत सारे डॉट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे। ये जो डॉट्स होते हैं इनको बोलते हैं टेस्ट बड्स। क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स बोलते हैं, टेस्ट बड्स बोलते हैं। इन्हीं टेस्ट बड्स की हेल्प से हमें टेस्ट का पता लगता है, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर, ये सेंसरी तो है ताकि हमें फील हो जाता है, ठीक है, है ना, ऑल ओवर द टंग, पूरी टंग पे ये सेंसर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। अब टेस्ट, अब थोड़ी एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो लाइन है वो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स, इनमें लोकेटेड होती है, टेस्ट बड्स में, टेस्ट बड्स के अंदर एक सेल होती है, कौन सी सेल है? टेस्ट रिसेप्टर सेल, ठीक है, इन बड्स में लोकेटेड होती है, जो अलाउ करती है भी किसी भी पर्सन को, आपने कोई अलग अलग टेस्ट लिया और उस टेस्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए अलाउ करती है, कौन? टेस्ट रिसेप्टर सेल। इसको भी लिख देता हूं, वैसे इसमें लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ हमारी परचम क्लासेस डॉट इन पर अवेलेबल हो जाएंगी, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स किसमें लोकेटेड होती हैं? ये टेस्ट बर्ड में लोकेटेड होती हैं, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। और टेस्ट रिसेप्टर सेल्स को अगर मैं बात करूं तो आपने खाया पिज्जा, पिज्जा का टेस्ट आपने खाया, कलाकंद, कलाकंद का टेस्ट आपने खाया, रसगुल्ले, रसगुल्ले का टेस्ट, और आपने खाया मोमोज, आपको मोमोज का टेस्ट। ये टेस्ट इन रेस, जो टेस्ट, जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो कि टेस्ट जो बर्ड्स होते हैं उनमें होती है, उन्हीं की वजह से हम अलग अलग टेस्ट को फील कर पाते हैं। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन, मेरा जनरल साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का डिटेल्ड ऐसे ही कोर्स, इसे बहुत डीप में आपको मैंने करवाया है, वहाँ जाकर आप परचेज कर सकते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस में, आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करने वाला है। टॉपिक वाइज और थ्योरी वाइज क्लासेस होंगी, साथ में ही आप हमारा जीए का कोर्स परचेज कर सकते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्ट्रेटेजी के सारे सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेंगे सिंगल कोर्स में, बहुत अच्छा कोर्स है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज पूरा कोर्स मिलने वाला है, साथ में मिलने वाले हैं आपको मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आके हमारे कोर्स में। टेस्ट बर्ड्स, इन टेस्ट बर्ड्स को समझने के लिए हमें सिर्फ इस एग्जाम, इस इमेज को समझने की जरूरत है। देखो हमारी ये टंग बाहर से ऐसे निकली है, ये जो पीछे वाला हिस्सा ना, ये वाला, ये देखिए ये वाला, जब हम लोग कोई चीज बिटर होती है, कड़वी होती है, तो हमें कड़वा कौन बताता है? हमारी टंग का ये वाला पार्ट हमें बताता है कि आपने जो चीज खाई है वो कड़वी है, बिटर है, ठीक है। साथ में ही आप अगर यहां देखेंगे दोनों तरफ, ये वाला एरिया
साइड वाला एरिया, इधर और इधर, ये सोर खट्टेपन को बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं? द सोर टेस्ट ऑन द एज ऑफ द मिडल, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप अगर आप बिल्कुल आगे वाला देखोगे ना, बिल्कुल आगे वो आपको सॉल्ट, सॉल्टी बताएगा, और इसे थोड़ा सा पीछे वाला एरिया क्या है, स्वीट, मीठा बताएगा। एग्जाम में यही एमसीक्यूज बनते हैं कि हमें टंग का कौन सा पार्ट हमें बिटर टेस्ट फील करता है, बिटर टेस्ट का एक्सपीरियंस हमें फील करवाता है, वो तो है पीछे वाला पार्ट। कोई पूछे आपको कि सोर यानी खट्टापन टंग के कौन से पार्ट से होता है, तो दोनों साइड्स जो एज होती हैं टेस्ट बड्स, मिडिल ऑफ द एज, उनमें दिखता है। सबसे आगे वाला पार्ट हमें सॉल्टी यानी नमकीन फील करवाता है, और आगे भाग के जस्ट पीछे यानी मैं कहूँ अगला हिस्सा ही मोस्टली ये आपको क्या करवाता है, मीठा फील करवाता है, स्वीट फील करवाता है। तो ऐसे हम लोग अपने टेस्ट बड्स की हेल्प से, जिनमें टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होती हैं, उनकी मदद से हम अलग अलग टेस्ट को फील कर पाते हैं। दो तीन यही क्वेश्चन पूछते हैं, बकल कैविटी का पूछ लेता है, साथ में पूछ लेता है टेस्ट बड्स में कहाँ कहाँ होता है, साथ में ओरल कैविटी, बकल कैविटी क्या है, डाइजेशन की हेल्प पूछ लेता है, डाइजेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, बिग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में। अब आता है ह्यूमन टिथ, मानव के दांत, ह्यूमन टिथ के बारे में पढ़ते हैं। देखो ह्यूमन टिथ क्या है, एक कहानी बता देता हूँ, फिर आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। हमारे जो टिथ होते हैं, हमारे माउथ में एक छोटे स्मॉल, ठीक है, हार्ड वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनिमल्स में होते हैं। द टेस्ट आर स्मॉल हार्ड एंड वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द माउथ जॉ विच आर फाउंड इन एनिमल्स। क्या करते हैं खाने को? चबाने में, टेयरिंग करने में, च्यूमिंग करने में, खाने में, चीड़ फाड़ करने में हेल्प करते हैं। द टेस्ट आर यूज फॉर टेयरिंग एंड च्यूइंग फूड, भोजन को चबाने में काम करते हैं हमारे दांत, यही काम करते हैं। हमने जो खाना खाया, हमने जो फूड खाया, उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। बट कुछ एनिमल्स में, सम एनिमल्स जो कि कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस नहीं, मांस भक्षी, जो मांस को खाने वाले, है ना, आल्सो यूज टिथ फॉर हंटिंग एंड प्रोटेक्शन। हम दांतों को कई बार, हम भी हमारी छोटे भाई बहनों से अपने आप को बचाने के लिए दांतों का यूज करते हैं, उनको काटते हैं, नहीं काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। तो ये कुछ एनिमल्स में क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में, है ना, ताकि वो क्या कर सकें, वो अपने शिकार को, है ना, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो अपने जो शिकार होते हैं वो इसका यूज कर पाते हैं। वैसे जनरली ये एनिमल्स में ही देखने को मिलता है। अगला, द रूट ऑफ द टिथ आर कवर्ड बाई गम्स। देखिए ध्यान रखना, हमारे जो दांत हैं वो मसूड़ों से, गम्स से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। टिथ आर नॉट मेड ऑफ बोन्स, ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमारे दांत क्या हैं, हमारे दांत कभी भी क्या नहीं है, हम सोचते हैं बोन्स होते हैं, हड्डियां होते हैं, नहीं, हमारे दांत बोन्स नहीं होते हैं, हमारे दांत होते हैं टिश्यूज। क्या होते हैं? हमारे टिथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे टिथ होते हैं हार्ड टिश्यू, 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 टिश्यू को मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू यानी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स है हमारे टिश्यूज, बोन्स नहीं है। ध्यान रखना, हमारे टिथ में अगर बोन का आए तो गलत होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि टिश्यू का मतलब इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन ये हार्ड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये हार्ड टिश्यूज होते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, टिश्यूज का मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो टिथ होते हैं वो हमारी लाइफ में दो बार आते हैं मेनली, तो है ना, दो बार निकलते हैं हमारे टिथ, एक तो टेम्पररी बचपन में, और एक फिर थोड़ा सा बचपन के दांत यानी दूध वाले दांत टूट जाने पर परमानेंट टिथ, टेम्पररी टिथ और परमानेंट टिथ। अब टेम्पररी और परमानेंट में क्या डिफरेंस पता है आपको? टेम्पररी में क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं टिथ, और परमानेंट में फोर टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के और फोर टाइप्स के टिथ हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं
कि जो हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं, कैसे होते हैं टेम्पररी टीथ, वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं टोटल 3 टाइप्स के, और टोटल होते हैं 20, 20 दांत होते हैं बचपन में, जो शुरुआती दांत आते हैं दूध वाले जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं 20 होते हैं। बाद में ठीक है, इनमें इंसाइजर है ना, इंसाइजर, कैनाइन और मोलर, ठीक है, और बाद में प्री मोलर ले लेते हैं, तो टोटल 4 होते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं बचपन में क्या होते हैं 3 ही टाइप के होते हैं, बाद में जब हम एडल्ट हो जाते हैं, जब ये 20 दांत टूटकर जब 32 दांत आते हैं तो क्या हो जाते हैं ये 4 टाइप के हो जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइनर, प्री मोलर और मोलर, कुछ इसी तरह के आपको देखने को मिलते होंगे। मोलर्स आर लेटर रिप्लेस बाई प्री मोलर, ठीक है, मोलर को आगे चलकर प्री मोलर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आती है विजडम टीथ। देखो अगर आपको विजडम टीथ आ गया है, अकल जाड़ आ गई है, तो भी अगर आपको बुद्धि नहीं आ रही है, विजडम नहीं आ रही है, तो ये सोचने वाली बात है, और अगर आपको नहीं आई है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो भगवान ने आपको विजडम टीथ नहीं दी है ना, अकल जाड़ नहीं दी, ऐसा नहीं है। विजडम टीथ एक्चुअल में सबसे लास्ट में आती है, अकल दाड़, विजडम टीथ जिसको बोलते हैं हम, इस तरह से इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इसको विजडम नाम इस तरीके से रखते हैं कि भैया ये बहुत एज के बाद आती है, सबसे लास्ट में है ना, कुछ लोगों को तो बहुत लेट आती है, किसी को 40 साल 50 60 साल साल में भी आती है, वो इसलिए क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि तब तक इंसान पूरा मेच्योर हो सकता है ना, तो इसका मतलब तब तक तो उसको बुद्धि आई गई होगी है ना, तो इसलिए इसको विजडम टीथ बोलते हैं। चारों छोरों पर है ना अंतिम में क्या आता है, विजडम टीथ हमारा आता है। देखो ऊपर वाले हिस्से में, अगर मैं ह्यूमंस में बात करूं, ऊपर वाले हिस्से में 16 होते हैं और नीचे वाले में 16 होते हैं, तभी तो 32 दांत होते हैं, ऊपर वाले पार्ट में 16 और नीचे वाले पार्ट में 16, तो लोअर और अपर पार्ट में, जिसमें अगर मैं कहूं एक ऐसे शुरू में 8 दांत ऐसे लगे होते हैं और ऐसे 8 दांत होते हैं, ऐसे 8, फिर ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं, ऐसे अगर मैं ऊपर देखूं तो इधर 8 और इधर 8, ऐसा ही होता है ना, 16 प्लस 16, तो टोटल कितना हो गया 32। कौन कौन से टाइप होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब हम लोग क्या करेंगे, 1-to-1 करके पढ़ेंगे कि इंसाइजर क्या काम आते हैं, कैनाइन क्या काम आते हैं। देखो 4 इंसाइजर आर लोकेटेड इन द अपर जो एंड 4 इज लोअर जो, ठीक है भैया, यानी इंसाइजर कितने होते हैं 8 दांत होते हैं, 4 ऊपर की तरफ होते हैं और 4 नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, फ्लेट सेव शार्प लाइक होते हैं है ना, बिल्कुल धारदार, जो भोजन को क्या करते हैं, पहले आते तो काटते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं, कटिंग करने का काम करते हैं फूड इंसाइजर। अगर मैं कैनाइन की बात करता हूं तो ऊपर और नीचे में 2-2 दांत होते हैं, ठीक है, और इनका सेब क्या होता है, पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, जो खाने को क्या करते हैं, काटने के बाद क्या करेंगे, उसको फाड़ने का, चीड़ फाड़ करने का काम करते हैं कैनाइन। प्रीमोलर में क्या होते हैं, आधे भाग में 2 प्रीमोलर्स होते हैं, ठीक है, आधे भाग में हाफ वाले है ना, हाफ ऑफ ईच में 2-2 होते हैं, और ये साइज में क्या होते हैं, वाइड साइज के होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, अब कोई खाना कट फिट गया तो उसको काटने का और तोड़ने का काम करते हैं भाई, चीड़ फाड़ कर दिया आपने, पहले कट कर दिया, फिर चीड़ फाड़ कर दिया, आप खाने को क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, छोटे छोटे ब्रेक डाउन करेंगे उसे फूड का। उसके बाद आते हैं मोलर, ठीक है, ये 4-4 होते हैं, ठीक है, संख्या में कितने होते हैं, 4-4 होते हैं, ईच ऑफ द लोअर एंड अपर जो, ठीक है, ज्यादा चौड़े होते हैं, अब सारा काम हो गया, मतलब पीसने का काम कर और उसको पूरा खत्म कर देते हैं, बिल्कुल एकदम स्मूथ बना देते हैं उसको, है ना, पूरे अच्छे से। और बाद में आती है हमारी विजडम टीथ, क्या आती है, हमारी आती है विजडम टीथ। इन चारों के बाद आपने देखा कि चलो ये तो बचपन में दांत आए टूट गए टेम्पररी, बड़े हुए 32 दांत आए, अब दांत टूट गया तो क्या, ये 32 में से भी कोई 2 दांत आपके टूट गए तो अब आप लगाओगे आर्टिफिशियल टीथ, कृत्रिम दांत, ठीक है, आर्टिफिशियल टीथ। आफ्टर द टीथ हैव फॉलन आउट या टीथ जो डीके हो जाता है ना, उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियली नकली दांत लगाते हैं एक तरह से। पहले के लोग तो गोल्ड के, सिल्वर के, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के गोल्ड के दांत होते थे लगाने में, बहुत टाइप के दांत शुरुआत से ही ऐसा यूज करता रहे। एक तो होता है कंप्लीट टीथ, एक होता है डेंटल स्पेयर है ना, एक, अब मगर मैं बात करूं कुछ कहते हैं ना हाथी के दांत,
तो पहले कुछ लोग हाथी के दांत लगाते थे, सोने के दांत लगाते थे, बोन्स हड्डियों से बने हुए दांत लगाते थे, हिप्पो के दांत लगाते थे, ऐसे बहुत ज्यादा प्रचलन था। 18 सेंचुरी में पोर्सेलिन के दांतों का, पोर्सेलिन टिथ का स्टार्ट हुआ, पोर्सेलिन टिथ। उसके बाद 1860 में वल्केनाइज्ड रबड़ के दांतों की शुरुआत हुई। अब जो हम हाल ही में यूज करते हैं वो करते हैं एक्रिलिन रेजिन ऑन प्लास्टिक के दांत। प्रेजेंटली आर्टिफिशियल टिथ आर मेड फ्रॉम एक्रिलिन रेजिन एंड प्लास्टिक्स। ये अलग अलग टाइप्स के हैं, अलग अलग टाइम पे इनकी शुरुआत हुई थी, बट अब वर्तमान में हम लोग करा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब ये नहीं लगाएगा कोई गोल्ड, ये भी लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रचलन इनका है। ठीक है, आर्टिफिशियल टिथ में हम अब दांत की बात करते हैं, है ना। हम टिथ के एक्चुअल स्ट्रक्चर को समझते हैं कि टिथ में क्या है। टिथ का वह भाग जो गम से ऊपर निकला होता है, गम वाले पार्ट से, देखो ये वाला पार्ट गम है। अगर आप इधर इमेज में मैं दिखा पाऊं आपको, ये रहा देखो, ये गम है, ये वाला देखो, ये पूरा गम वाला पार्ट है ना, ये इससे जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो पार्ट होता है क्राउन। क्या होता है, दांत का गम से ऊपर निकला हुआ पार्ट क्या होता है, क्राउन होता है। ठीक है, बिल्कुल ये जितने भी दांत होता है ना, नीचे वाला दांत हिस्सा, इसकी तुलना में देखो ज्यादा बड़ा है, ये पार्ट ज्यादा बड़ा है इसकी तुलना में, ये तो फिर भी छोटा है। देखो इसकी तुलना में ये वाला पार्ट जो क्या है वो ज्यादा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, वाइडर होता है। ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, एनेमल और डेंटाइन, है ना। एनाटोमिकल क्राउन, क्राउन होता है एक पार्ट, बिल्कुल ये वाला पार्ट क्राउन है, इसका एनेमल पार्ट है सेकंड। ठीक है, और बाद में होता है हमारा डेंटाइन पार्ट। तो तीनों पार्ट हमें पता लग गए। अब इन इस वाले पार्ट का पता लगे कि सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, है ना, क्राउन दांत का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। कोई पूछे कि टिथ का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, तो भैया सबसे टिथ का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, क्राउन होता है। इनेमल दांत की सबसे बाहर वाली लेयर है। और आपको पता है कोई पूछ ले हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट टिश्यू क्या है, हार्डेस्ट टिश्यू, ध्यान रखना वर्ड देखना, हार्डेस्ट टिश्यू, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, हमारा क्राउन के बाद में दूसरा जो पार्ट है सबसे बाहर वाला इनेमल पार्ट क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है, है ना। इनेमल पार्ट क्या होता है, हमारा सबसे हार्डेस्ट टिश्यूज होते हैं ये हमारे टिथ में, जो बैक्टीरिया होते हैं फूड को खाने में, है ना, उनमें जो प्रेशर है ना, खाने से हम जब दबाते हैं तो उसका जो प्रेशर है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। भैया इतनी सारी चीजें खाते हैं, कितनी हार्ड चीजें भी खाते हैं, उन पे खाने के साथ प्रेशर भी होता है, उसको हमें प्रोटेक्ट करता है उस प्रेशर से। डेंटिन, जो डेंटाइन जो पार्ट है वो इनेमल के थोड़ा सा नीचे होता है। ऐसे ही पढ़ते हैं, अब स्टडी करते हैं तो ऊपर फिर इससे नीचे फिर नीचे, ऐसे वाली बात करते हैं। और जो क्राउन है रूट से ये पूरी फैली होती है, और ये किस चीज में हेल्प करती है पता आपको, ये जो शिखर से क्राउन से रूट्स तक के बीच में जो स्ट्रक्चर है, ये हमें जो ठंडे और गर्म, हम कहते हैं ठंडे दांतों से झंझनाहट होती है, ये उससे हेल्प करता है। कोल्ड एंड हॉट जो सब्सटेंस है उसे हमारी हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं नेक, ग्रीवा, नेक, ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। देखो दांतों में क्राउन और रूट्स के बीच वाला पार्ट क्या है, नेक, ठीक है, ग्रीवा। तीन पार्ट्स होते हैं मेनली इसमें, क्या होते हैं, एक तो गम, पल्प और पल्प कैविटी। अगर आप बात करेंगे, अगर इसकी बात करें तो पल्प, देखो ये वाला पार्ट क्या, अंदर वाला पार्ट पल्प, गम, और थर्ड वन क्या है, थर्ड वन इज पल्प कैविटी। अब हमारे जो मसल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो इन मसल्स में इनका जो कलर होता है वो कैसा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा पिंक कलर का है, है ना, पिंक कलर के कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। ठीक है, ये सबसे अंदर वाला पार्ट है, पल्प दांत के सबसे अंदर वाला पार्ट है, और इसी के अंदर तो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारी क्या होती हैं, इस पल्प के अंदर जो ब्लड वेसल्स ही होती हैं, ध्यान रखना, जो क्या है, मेडुलरी क्या कहलाती है, कैविटी कहलाती है, मज्जा गुहा कहलाती है, मेडुलरी कैविटी कहलाती है, इसी के अंदर हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। थर्ड पार्ट है हमारा रूट। ज्यादातर पार्ट तो दांत में देख तो क्या है, अगर आप मुंह खोलोगे तो सारा पार्ट तो है एक्चुअल में रूट से, तो है लगभग 2/3 पार्ट हमारा रूट्स का होता है, पूरे दांतों का 2/3 पार्ट तो हमारी रूट से होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, इनमें अगर आप देखोगे तो एक आप देखोगे रूट कैनाल, ठीक है, रूट कैनाल क्या है,
वो मैरो है जो लोकेटेड होता है ना पाथवे ऑफ, देखो ये रूट कैनाल, ये देखो ये रास्ता, देखो ये देखो रास्ता ऐसे जा रहा, ये रूट कैनाल है ठीक है। अगर मैं रूट कैनाल के बाद बात करूं है ना सीमेंटम, सीमेंटम क्या है, ये बोन लाइक स्ट्रक्चर है, सीमेंटम देखो ये देखो बोन्स की तरह, ये ब्लू कलर के देखो बोन्स लाइक स्ट्रक्चर होती है ठीक है। ये भी हमें पता लग गया क्या है, जो प्रोटेक्ट करती है रूट्स को है ना, कवर करके रखती है रूट्स को, ट्रीत की रूट्स को कवर करके रखते हैं। ब्लड और नर्व सेल्स को अगर मैं बात करूं, थर्ड वन, अगर जो ब्लड वेसल्स की हमने बात की, नर्व वेसल्स की बात करी, जब हमने खाना वाना चबा दिया उनको जो प्रेशर आया उसको कंट्रोल कर लिया, और ब्लड वेसल्स क्या करती है न्यूट्रिशंस देती है इनको है ना। ब्लड वेसल्स क्या होंगी, ब्लड क्या करता है न्यूट्रिशंस लेकर आता है, और वो ब्लड वेसल्स क्या करता है इनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। थर्ड जो बोन है ना, जबड़े की हड्डी जो बोन है ना। अब देखिए दांतों के खांचे स्थित होते हैं है ना, टीथ के अलग अलग सॉकेट्स लगे होते हैं, अपर आप डाओगे तो सॉकेट्स में है ना, जबड़े में सॉकेट्स होते हैं है ना, एलोवेलर बोन्स होती है वायु कोशिकीय जिनमें एक खांचे होते हैं, एक तरह से सॉकेट आपने दांतों को लगा दिया, टीथ सॉकेट्स है ना इनमें लोकेटेड होते हैं ठीक है। और ये बोन्स, ये सराउंडेड रूट जो है वो घिरी रहती हैं और दांतों को उनके स्थान पर रख देते हैं, ऐसा समझ लीजिए। इसको, इस वाले पार्ट को बोलते हैं आपकी, जो हमारे जबड़े में दांत धसे रहते हैं ना, दांत क्या होते हैं हमारे जो बोन में क्या होते हैं अंदर धसे हुए रहते हैं, एक तरह से स्ट्रक्चर है, और हाँ हमारे दांत ऐसे इनके अंदर टीथ सॉकेट्स में लगे रहते हैं, ये है जॉ बोन्स। आज के सेशन में अगर मैं बात करूं तो हमने बकल कैविटी की बात की, टंग और टेस्ट बर्ड्स और टेस्ट रिसेप्टर्स के बारे में बात की, उसके बाद टेस्ट बर्ड्स से जो हमें जो जो टेस्ट फील होते हैं एक्सपीरियंस होते हैं उनके बारे में बात की, टीथ ह्यूमन टीथ के बेसिक फंक्शन के बारे में बात की, इनके दो टाइप्स परमानेंट और टेम्प्ररी की बात की, फिर हमने इनके टाइप्स को देखा, चारों टाइप्स इंसाइजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर, फिर हमने देखा कि इनकी लोकेशन क्या और हर एक टाइप का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम होता है, उसके बाद आर्टिफिशियल टीथ की एक हिस्ट्री को देखा, हिस्ट्री के बाद हमने उसके पार्ट जैसे टीथ का जो क्राउन पार्ट है, नेक पार्ट है, रूट पार्ट है, उसके बाद रूट कैनाल, सीमेंटम, नर्व ब्लड सेल्स होती हैं, फिर जो बोन में जो हमारे दांत होते हैं उनके बारे में, टीथ सॉकेट्स के बारे में हमने बात की। तो इस तरह से हमने टंग और टीथ को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। ह्यूमन डाइजेशन में मैंने ऑलरेडी आपको सारे डाइजेशन हमारा ओइसोफेगस, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको बता दिया था। अब मैं आपके लिए एक एमसीक्यू की सीरीज लेकर आने वाला हूं, और ये एमसीक्यू क्लास होगी मेरी लाइव क्लास, जिसमें मैं आपको कंप्लीट 100 एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, और आपको उसकी पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।